आपका नाम? मेरा नाम परविंदर इंसा जी। परविंदर इंसा जी, हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं पालम, दिल्ली जी। तो कितने साल हो गए आपको डेरा सच्चा सौदा आते हुए? मेरे को जी 15 साल हो गए। 15 साल आपको हो चुके हैं, तो ऐसा क्या देखा आपने डेरा सच्चा सौदा में जो इतने साल से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? देखो जी, हमने आज 15 साल में कोई भी ऐसी चीज़ डेरे के अंदर नहीं देखी जो गलत है। हमने जो देखा यहाँ पे बिल्कुल सही, और हमारे जो बुजुर्ग थे वे भी डेरे से जुड़े हुए हैं, आगे हम भी जुड़े हुए हैं। और जो मानवता भलाई की बात करोगे तो जी हमारी जबान तो साथ ही नहीं दे पाएगी, उसके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। सर ने अभी मानवता भलाई के कार्यों का जिक्र किया है, तो जानते हैं इनसे वो कौन कौन से कार्य हैं? देखो जी, गरीब का मकान बनाकर देना, पेड़ लगाना, खूनदान देना, वेश्यावृत्ति को रोकना, समाज में अनेक कार्य हजूर पिताजी ने जो चलाए उसकी गिनती जी 132 के करीब 134 के करीब है, जो हमारी जबान साथ नहीं दे पाएगी, हम गिन नहीं पाएंगे। इतने योगदान पिताजी ने दिया है, साथ संगत दे रही है, और करवाने वाला वो मालिक है जी, करवा रहा है। साथ में आपके बच्चे भी खड़े हैं शायद, तो ये भी डेरा सच्चा सौदा जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी बच्चे भी जी। तो गुरु जी आपके जो हैं वो किस धर्म को मानते हैं, कुछ बताएं इस बारे में? गुरु जी तो सब धर्म संगम, सब धर्मों का संगम है जी, यहाँ पे तो सभी का सत्कार किया जाता है जी। ये बताइए, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपके गुरु जी समाज में आए वापस, ये कितना आवश्यक है समाज के लिए, कितना जरूरी है? ये तो जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो समाज हमारा पीछे हट रहा, सिर्फ गुरु जी की देन है जी, क्योंकि अगर गुरु जी समाज में आ जाएंगे तो जो है ना चारों दिशाओं में सुख शांति, अमन सुख शांति मिल जाएगी जी। जी, तो ये परविंदर जी थे हमारे साथ, इनकी भावना देखिए, ये काफ़ी टाइम से 15 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, इनके बच्चे भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए।